हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ BCA डिग्री के बारे में। BCA यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक 3 से लेकर 4 साल की डिग्री होती है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनका या तो बीटेक में एडमिशन नहीं होता है, या फिर जो अनअवेयर होते हैं, या फिर अगर कोई कॉमर्स फील्ड से है, आर्ट्स फील्ड से है, तो वो भी यार अगर उसे भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो BCA एक बहुत बेहतरीन डिग्री होती है। यहाँ पे आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। अब आप स्कूल से कॉलेज में आए हो तो आपको हो सकता है सेमेस्टर वर्ड थोड़ा नया लगता हो, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो आपकी कॉलेज लाइफ है, फॉर एग्जांपल अगर वो 3 साल की है, ठीक है, तो हर साल यार 2 सेमेस्टर्स में बटा होता है 6-6 महीने के। अब वो 6 महीने के से थोड़े से कम के होते हैं क्योंकि छुट्टियाँ भी होती है बीच में। तो ऐसे आपके टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं BCA के अंदर, या फिर हो सकता है 8 सेमेस्टर्स भी हो। BTech के अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। हर सेमेस्टर्स के अंदर यार आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं, इसको आप एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि आता है आपके पहले ईयर में। अभी यार आप स्कूल से कॉलेज लाइफ के अंदर आए हो तो थोड़े बहुत यार बेसिक बदलाव भी आपको देखने में मिलेंगे। जो आप कॉलेज में अगर जाते हो तो स्कूल की तरह नहीं है कि यार अपने गली मोहल्ले के ही लोग वहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, राइट, या फिर अपनी ही लोकेलिटी के लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से बच्चे आते हैं, ठीक है, इस डिग्री के अंदर या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं लोगों के, सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर हो सके तो हॉस्टल ज़रूर लेना, अगर हॉस्टल आपको मिल सकता है। आपको यार इंडिपेंडेंट रहना आप सीखोगे वहाँ पे, और मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये भी आप डेफिनेटली सीख जाओगे। आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेवलप होगे, ठीक है। तो कॉलेज में ऑफकोर्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यार क्या करना है आपको ताकि आप प्रोडक्टिव बन सको, बट थोड़ा बहुत यार सोशल लाइफ पे भी आपको यार वर्क करना चाहिए अपना। अपने आप ही धीरे धीरे करके यार बिल्ड होते रहेगी वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यार हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं BCA के अंदर। अब अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। पहली चीज़ यार एक मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है। अब कुछ लोग इसको मैथ्स 1 बोलते हैं, या फिर कई जगह बोलते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे यार आपको मैथ्स के वो वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो कि आपको बाद में कोडिंग जर्नी में इंपॉर्टेंस रहेगी उन सब्जेक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बेसिकली आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी यार ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यार कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली थी, जिनको मैथ्स से छुटकारा चाहिए था, लेकिन यार अगर आपको कभी भी एक डेवलपर बनना है तो थोड़ी बहुत मैथ्स यार आपको आनी ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लीनियर एलजेब्रा, ठीक है, जो थोड़ा सा बोरिंग होता है, और कैलकुलस जो कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है बिकॉज वो थोड़ा बहुत 11th-12th में जो आपको कैलकुलस पढ़ाया जाता है वैसा ही होता है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। इन एडिशन आपको यार यहाँ पे मैट्रिक्स और ये सब पढ़ाया जाता है जो कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग के अंदर काम आता है। अब यहाँ पे यार एक सब्जेक्ट हमारा होता है यार डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब कुछ कुछ कॉलेजेस में ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है, और कुछ कुछ में इसका नाम LOC भी होता है यहाँ पे, राइट। बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे यार चीज़ें हो रही है, कैसे जो हमारी लैंग्वेज है हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज में, सो दैट, क्योंकि जो कंप्यूटर्स है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज तो समझते नहीं है। तो काफ़ी बेसिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं उन चीज़ों के। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट होता है यार हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है, क्या आप स्टोरेज कैसे करते हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल राउटर के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट होता है हमारा। फिर यहाँ पे यार हमारा सब्जेक्ट होता है डिपेंडिंग अगेन ऑन द कॉलेज इंग्लिश। अब ये बेसिकली एक फ्री फंड का सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, जैसे कि 12th में आप समझते होंगे, राइट। तो ये 1-2 दिन पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो सके। अगर बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती तो काइंड ऑफ ट्राई करना क्लास में पार्टिसिपेट करने का। कभी कभी क्या होता है प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि यार इंग्लिश में बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ के अंदर, या फिर मतलब कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, राइट। फिर यार यहाँ पे बात करते हैं हम आखिरी सब्जेक्ट की जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसका नाम है C प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग यार मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे कॉलेज वाला चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, एंड वो प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो कमिंग टू द प्लेलिस्ट थोड़ा सा बाद में, बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, अगर आपको डेवलपर बनना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो अभी तक मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए उनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ना थ्योरी होता है, जबकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर यार आप एक्चुअली में कोड कर रहे होते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे आप अपना पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस झेलोगे, यहाँ पे आपकी लैब्स भी होती है। और जो कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, और फिर क्योंकि हफ्ते में एक दो लैब्स होगी उसी समय आप कोड कर सकते हो, ठीक है। बट सी प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की सॉफ्टवेयर डेवलपर जर्नी के लिए, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली पढ़ना है यहाँ पे। अब मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको यार पूरे नंबर लाने हैं अपने कॉलेज के एग्जाम्स में सी प्रोग्रामिंग में, तो आप चेकआउट कर सकते हो कॉलेज वाला की सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट, आपको यहाँ पे यार दिखा दी जाएगी कि कैसे आपको एक्सेस करनी है। 40 घंटे का फ्री कंटेंट है, इससे अच्छा कंटेंट पूरी यूट्यूब पे नहीं होगा, और इससे आपके फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और आपको प्रोग्रामिंग में भी आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है सी प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैंने पढ़ाया ताकि आप बोर भी ना हो और आराम से आपके नंबर भी आ जाए। अब सब्जेक्ट की तो बात हो गई, अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की, एग्ज़ाम्स की, ग्रेड्स की, कि कैसे यार हमारे कॉलेज के अंदर चीज़ें डिफरेंट होती है कंपेयर टू स्कूल, या फिर बीसीए में क्या क्या होता है। तो बीसीए में यार आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के 2 से 3 असाइनमेंट हर सेमेस्टर में, हर 6 महीने में देने पड़ेंगे। और यहाँ पे यार बेसिकली मैं आपसे ये बोलूँगा, असाइनमेंट में कोई मेहनत नहीं करनी होती, आप में से 99% बच्चे कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन मैं बस एक रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा, कभी भी आप असाइनमेंट्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, हो सकता है कुछ कॉलेज के अंदर ना प्लैगरिज्म चेक टाइप की चीज़ होती है, तो आप कभी भी ना अंधाधुन कॉपी पेस्ट मत करो। अगर कर भी रहे हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कॉपी पेस्ट करते हैं असाइनमेंट्स को, सब चीटिंग करते हैं इसमें। आप बस यार लॉजिकली समझ लेना कि यार क्या क्या चीज़ें लिखी है, और अंधाधुन बस कॉपी मत करना यहाँ पे, ये मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, पीस ऑफ एडवाइस। असाइनमेंट जैसी चीज़ यार बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इंटरनल के जो मार्क्स होते हैं आपके, यहाँ पे आपके वैसे यार 2 पेपर्स होते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। एक तो होता है फाइनल एग्जाम जिसमें यार बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, फिर जो भी सब्जेक्ट्स है जिनमें प्रैक्टिकल लैब्स होती है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, और जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसका भी एक आपको लैब मिलेगा जहाँ पे आपको बेसिक्स जैसे एमएस वर्ड, डॉक, एक्सेल, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कराई जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इनके भी आपके मार्क्स होते हैं, और फाइनल एग्जाम के साथ साथ यार आपके यहाँ पे एक मिड सेमेस्टर एग्जाम भी होता है, विच इज़ मिड टर्म एग्जाम, जो कि शायद 3 महीने के आसपास आएगा अगर 6 महीने का कोर्स है। और इस जो यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम है, हो सकता है ये कई बार डिपेंडिंग ऑन दी कॉलेज 2 भी हो सकते हैं, 2 में से best of 2 लग जाएगा, तो वैसा वाला फील होता है आपका। अगेन टेंशन लेने की बात नहीं है, कॉलेज के एग्जाम्स में आई वुड से आपकी जो ग्रेड होती है उसको बोलते हैं CGPA, कई जगह परसेंटेज भी होता है। यहाँ पे यार प्लीज़ कॉलेज के एग्जाम्स, चाहे हो सकता है जो सब्जेक्ट्स है वो अननेसेसरी है आपके करियर के लिए, लेकिन पढ़ने ज़रूरी है, प्लीज़ उन्हें पढ़ो, क्योंकि ये जो नंबर है जब आपकी प्लेसमेंट आएगी यार 1-2 साल बाद, तो उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप प्लीज़ बहुत ही अच्छे से तैयारी करना ताकि आपके अच्छे नंबर आए। अब यहाँ पे एक पीस ऑफ एडवाइस, आपके सीनियर्स बोलेंगे कि यार जो कंपनीज आती है ना वो कहती है एक कट ऑफ होता है, जैसे 70% नंबर लिया हो 100 में से, तो आप कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल हो, पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो, कभी ऐसा मत करना, हमेशा नंबर बहुत अच्छे लाना। अगर कट ऑफ 70% है तो 85% नंबर लाओ, क्योंकि यार इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है प्लेसमेंट में अलॉन्ग साइड योर कोडिंग स्किल्स, तो CGPA हमें बहुत अच्छी रखनी है। अगर मैं बात करूँ असाइनमेंट्स के साथ साथ, तो लैब फाइल भी हमें सबमिट करनी पड़ती है। ये लैब फाइल बिल्कुल वैसी है, अगर आपने स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब फाइल बनाई हो कभी, या अगर आपने नहीं भी बनाई हो, कॉपी पेस्ट करके सारा काम हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें ना यार टाइम पे ज़रूर देना, ये छोटे छोटे नंबर अगर आप हासिल कर लेते हो जो कि आसान है, तो आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट की 2 चीज़ों के बारे में। पहला अटेंडेंस, अटेंडेंस यार आजकल बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बीटेक हो या बीसीए हो 75% कंपलसरी हो गई है, या फिर कई कई जगह 60% होती है, कई कई जगह 80% होती है, तो प्लीज़ यार अपनी अटेंडेंस बरकरार रखना, क्योंकि एग्जाम में नहीं बैठने देते आपको। तो अटेंडेंस अपनी पूरी रखनी है, जितनी है उतनी रखनी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखना। अब मैं आपको बताता हूँ 75% अटेंडेंस भी काफ़ी होता है यार, मतलब आप खुद सोचो 4 में से अगर आप 1 छुट्टी लेते हो फिर भी आप एलिजिबल हो, तो इट इज़ इनफ, बस अपनी छुट्टियों को थोड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करना। अब लास्ट में बात करते हैं, जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में ना, जैसे स्कूल में तो लगातार चीज़ चलती है, बट एक समर ब्रेक टाइप सा होता है, तो यहाँ पे भी यार एक विंटर ब्रेक होता है आपका, एक समर ब्रेक होता है कॉलेज में हर सेमेस्टर्स के बीच में। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप होता है आपका, यहाँ पे बच्चे यार मस्ती करते हैं, लेकिन आपको मस्ती नहीं करनी। आप थोड़ी बहुत मस्ती डेफिनेटली कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि इस 1 महीने के गैप में आप कोई स्किल सीखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप BA से पढ़ना सीखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मुझसे या कहीं से भी सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने होते हैं। अगेन ये सब आप कॉलेज वाला चैनल पर एक्सेस कर सकते हो फ्री में बिल्कुल, C++ जावा दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है TWSkills वेबसाइट पर भी, सब कुछ फ्री है, ओके। तो आपको ये सब करना है, तो बाकी यार इतना ही था आपके फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है BCA के उसके बारे में। तो एक रोड मैप आई थिंक आपको एक मिल गया होगा कि आपको करना क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है, राइट। अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।